इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि विंडोज़ 10 के अंदर मराठी कीबोर्ड कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा स्टार्ट बटन पे, फिर क्लिक करना पड़ेगा सेटिंग्स के ऊपर, फिर जाना पड़ेगा टाइम एंड लैंग्वेज के ऊपर, देन क्लिक करना पड़ेगा लैंग्वेज। उसके बाद में यहाँ पर प्रिफर्ड लैंग्वेजेस के अंदर ऐड अ प्रिफर्ड लैंग्वेज पे क्लिक करना पड़ेगा। देन यहाँ पे अगर आपको मराठी चाहिए तो आप लिखेंगे यहाँ पे मराठी, मराठी के ऊपर क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। उसके बाद में इंस्टॉल लैंग्वेज पैक, देन क्लिक करेंगे इंस्टॉल के ऊपर। यहाँ पर मराठी लैंग्वेज इंस्टॉल हो रही। इसके पूरा कंप्लीट होने के बाद में ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक करेंगे ऐड अ कीबोर्ड। यहाँ पर आपको जो भी चाहिए, इनस्क्रिप्ट चाहिए, फोनेटिक चाहिए, या फिर जो भी इसमें ऑप्शन है आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐसे चाहते हैं कि आप इंग्लिश में लिखें और मराठी में टाइप हो, तो आपको उसके लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा मराठी फोनेटिक, देन इनस्क्रिप्ट मराठी को रिमूव करना पड़ेगा। देन चेक करने के लिए हम ओपन करेंगे नोटपैड और उस पर टाइप करेंगे आप कैसे हैं। तो यहाँ पे अभी इंग्लिश में लिखा आ रहा, तो इसके लिए हमें यहाँ से बॉटम राइट में क्लिक करना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा मराठी फोनेटिक। उसके बाद में इसको क्लियर करेंगे, देन डबल से राइट करेंगे आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लिखा आ गया, देन क्लिक करेंगे कैसे, देन क्लिक करेंगे एच ए आई। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे इसके अंदर मल्टीपल, आप उसमें से चूज़ करें। तो यहाँ पे लिखा आ गया आप कैसे है, तो आप इसको मराठी में भी लिख सकते हैं, आप इसको दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, मराठी और हिंदी के लिए।